एक बड़ा बयान इस पर दिया है, आदि पुरुष पर जो विवाद चल रहा है, मुख्यमंत्री का बड़ा बयान है। हनुमान जी और राम जी का चेहरा भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है, सौम्यता लिए होता है। राम को युद्धक और हनुमान को एंग्री बर्ड अवतार में दिखा दिया है। ये सब कुछ बीजेपी के राज में हो रहा है। आदि पुरुष फिल्म पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा मत, ये बड़ा बयान सामने आया। आराध्य की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आदि पुरुष फिल्म पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, कल फिल्म रिलीज हुई, आज इस पर कई सारे कोर्ट में बैन करने की मांग है, इसके हिस्सों को काटने की मांग है। हनुमान राम का चेहरा भक्ति से परिपूर्ण होता है, राम को युद्धक, हनुमान को एंग्री बर्ड दिखाया। जिन लोगों ने देखी है वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं। फिल्म में कतई दम नहीं है, इस तरह की तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया में कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म आदि पुरुष पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है कि आराध्य देव की छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। हनुमान राम का चेहरा भक्ति से परिपूर्ण दिखता था, आज राम को युद्धक और हनुमान को एंग्री बर्ड जैसी शक्लों में दिखाया जा रहा है। आदि पुरुष का संवाद, भाषा, सब कुछ अमर्यादित है, स्तरहीन है। राजीव गांधी ने रामायण सागर से रामायण बनवाई, इतनी सुंदर रामायण बनाई, गलियां खाली हो जाती थी, लोग थिएटर ना जाकर के टेलीविजन स्क्रीन से चिपके बैठे रहते थे। आज की तारीख में जो कुछ है इस पर सिवाय चुप्पी के और कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले ये लोग जो भाषा बोला करते थे हनुमान जी से, अब उसके बिल्कुल उलट संवाद बुलवाए जा रहे हैं। सुनवाते हैं क्या प्रतिक्रिया आई है इस फिल्म आदि पुरुष को लेकर मुख्यमंत्री की। आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उनके क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनके तस्वीर को, उनकी छवि को बिगाड़ने का काम हो रहा है। तो आदि पुरुष के संवाद, आदि पुरुष में जो गेटअप है, सब पर विवाद और विवाद पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। राजेश राज उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और अभी भी वहीं मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश, बताएं क्या कहा है प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री ने। देखिए, बहुत कैटेगरिकली मुख्यमंत्री जी ने इस बात की आलोचना की है, नाराजगी जाहिर की है कि जिस तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं के छवि को बिगाड़ा जा रहा है वो बेहद आपत्तिजनक है, उसकी वो आलोचना करते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि पहले जो तस्वीरें होती थी, चाहे वो भगवान राम की हो, हनुमान की हो, वो श्रद्धा भक्ति से भरी पूरी हुई तस्वीर होती थी। लेकिन अभी उन्होंने जिक्र किया आदि पुरुष फिल्म का कि इसमें जिस तरह से भगवान राम हनुमान का चित्रण किया गया है वो बेहद आपत्तिजनक है। जिस तरह के डायलॉग लिखे गए हैं उसका उन्होंने जिक्र भी किया, आपने भी सोशल मीडिया पे वो वायरल होते हुए डायलॉग को देखा होगा, जो बहुत ही स्तरहीन किस्म के डायलॉग है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों का, बेसिकली वो अरबी और फारसी और उर्दू शब्दों का इस्तेमाल फिल्म के डायलॉग में किया गया है, जो आदि काल में जिस वक्त महाकाव्य की रचना हुई, जब ये घटना थी उस वक्त में तो ऐसी भाषाएं बोली भी नहीं जाती थी। उसी बात की उन्होंने आपत्ति की और ये सवाल उठाया कि जो लोग, जो संस्थाएं, जो राजनीतिक पार्टियां केरल फाइल्स जैसे विषयों पर आग लगाने का काम कर देती थी, थिएटर बंद कराने का काम कर देती थी, जो संगठन इसका विरोध करते थे ऐसी फिल्मों का, ये कटाक्ष की बात हुई राजेश। लेकिन क्या प्रदेश में फिल्म बैन होगी? मध्य प्रदेश में संस्कृति बचाओ मंच ये मांग कर रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी है डायलॉग्स के खिलाफ, क्या यहां फिल्म बैन हो सकती है?
ये सवाल मुख्यमंत्री जी से भी पूछा गया कि क्या छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को बैन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है, अगर जनता की तरफ से मांग आती है तो इस पर भी विचार किया जाएगा। संकेत है, यानी अगर कोई शिकायत आती है, कोई कंप्लेन आती है तो शायद इस तरह की कार्रवाई हो भी सकती है, लेकिन जिस तरह की नाराजगी दिखाई है हो भी सकता है कि शायद ये फिल्म बैन हो जाए छत्तीसगढ़ में। जी चलिए देखते हैं क्या इस फिल्म पर बैन की मांग जनता की तरफ से या शिकायतों में प्रदेश में सामने आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, कई स्टेट्स में इस पर बवाल है, मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस अपडेट के लिए।